बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की आने वाली बड़ी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का सामने आया फर्स्ट लुक। फिल्म को लेकर सामने आ रही है एक बड़ी खबर। फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि वो अपनी इस फिल्म को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे। जी हां, करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें जानवी कपूर अपनी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का प्रमोशन कर रही है और फैंस को इस फिल्म को देखने के लिए इनवाइट कर रही है। जानवी कपूर इस फिल्म में गुंजन सक्सेना का किरदार निभाती दिखेंगी। गुंजन सक्सेना साल 1999 में हुई कारगिल लड़ाई में फाइटर प्लेन चीता उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला एयर ऑफिसर थी। उनसे पहले किसी भी महिला ने वॉर जोन में कदम नहीं रखा था, जिस कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। एक्ट्रेस जानवी कपूर इसी बहादुर महिला की कहानी दर्शकों के सामने पेश करेंगी। जानवी कपूर ने करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन में बनी धड़क से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और दर्शकों को जानवी की एक्टिंग भी काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद वो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई घोस्ट स्टोरीज में नजर आई थी। इन दोनों फिल्मों के बाद जानवी गुंजन सक्सेना के रूप में अपनी तीसरी फिल्म लेकर दर्शकों के सामने आने वाली है। फिलहाल फिल्म मेकर्स ने अभी इस फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है, जिसका खुलासा भी जल्द ही किया जाएगा और फैंस इस फिल्म को अब घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल बॉलीपीप्स को जल्दी से सब्सक्राइब करें।